चांदी की डाल पर सोने का मोर। 82 मीटर्स, 86 मीटर्स। मेंस जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भारत के लिए सिल्वर लेके आए हैं। अब इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, ये हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल पर। सो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने साल 2003 पेरिस में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनके बाद नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। मगर अपनी इंजरी की वजह से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने के बाद से उन्हें पहचान मिली। नीरज को लंबे बाल रखने का बहुत शौक था, पर खेलने में होने वाली परेशानी के चलते इन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। मजा आया। 11 साल की उम्र में उनका वेट 80 किलो का हो गया था। अपने शरीर का वजन घटाने के लिए उन्होंने पानीपत के स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की और वहीं उन्हें जैवलिन थ्रो खेल पसंद आ गया। मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका। और फिर नीरज ने इसे अपना करियर बनाने की ठानी। आज वो सेना में सूबेदार भी हैं और साथ में अपना गेम भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जब उनके पास कोई कोच नहीं था तब वो यूट्यूब से वीडियो देखकर प्रैक्टिस किया करते थे। खेल के लिए इनका डेडिकेशन इनके रिजल्ट्स में साफ झलकता है। नीरज चोपड़ा को उनकी आगे की प्रतियोगिताओं के लिए हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।